हे गाइस, अगर आप भी आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पर बहुत ज्यादा लाइक लाना चाहते हो, अगर आप भी आपकी इंस्टाग्राम आईडी को बूस्ट करना चाहते हो, या मैं कहूँ कि आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट लोगों को उनके सर्च में दिखाई दे, तो मुझे लगता है कि आपको इंस्टाग्राम हैशटैग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। अगर आपने इसके बारे में पहले सुना होगा तो मुझे लगता है कि इस चीज को आप समझ ही लीजिए। वीडियो एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आप हैशटैग्स को कॉपी पेस्ट करके आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट को कैसे बूस्ट कर सकते हो। ओवरऑल एक ही चीज सामने आती है, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके इंस्टाग्राम की ग्रोथ होगी और आप फेमस हो जाओगे। ये चीज यूज करने पर आपके पोस्ट पर परमानेंटली लाइक्स आते रहेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। नहीं तो क्या होता है कि हमने सिर्फ हैशटैग ऐड कर दिए, दो तीन दिन बाद क्या होता है कि लाइक आते रहते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं, उसके बाद लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचती ही नहीं है। वीडियो एंड तक देखते रहना, मैंने आपके सामने इन सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन रखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ फुंडे, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सोशल मीडिया रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियो आती रहती है, मतलब जो वहां पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उसको आपको ग्रे कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो ट्रिक आप अप्लाई करोगे, आपको यहाँ पे ज्यादा कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ चीजें उठानी है, कुछ चीजें आपके हिसाब से डालनी है और चीज को पोस्ट कर देना है। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट हो तो ये चीज काम नहीं करेगी, आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए, उसके बाद ही हैशटैग वाली चीज काम करती है 100%। सबसे पहले मैं आपके सामने मैं अपनी पोस्ट कैसे बनाता हूँ वो दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर गया, ये जो इंस्टाग्राम का पेज है, ये जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल है, इसलिए यहाँ पे आपको फॉलोअर्स भी कम दिखेंगे, फॉलोइंग भी कम दिखेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको वो स्ट्रेटजी आपको कैसे अप्लाई करनी है वो बताऊंगा, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम पहले सबसे पहले पोस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अभी मेरा फोटो काफी नीचे है, मुझे फोटो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये मिल गया मेरा फोटो। अगर आप मुझे जुड़ा रहना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, सौरभ फुंडे आईडी है, काफी इजी नेम है, आपको शायद यहाँ पे दिख भी गया होगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोटो चूज कर लिया है जिसको हम पोस्ट बनाकर, मतलब जिसको हम पोस्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट करना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ पे कोई भी स्टेटस, कोई भी कैप्शन डालने की जरूरत नहीं, तो दोस्तों ये गलत है। कैप्शन एक ऐसी चीज है जो आपके व्यूवर्स का, आपके जो कंटेंट को लाइक करती है, आपके फैंस की एंगेजमेंट बढ़ाता है। मतलब आपने सोचा होगा कि ऐसा एक कैची कैप्शन लोगों को कभी कभी मजबूर कर देता है उस पोस्ट को सेव करने के लिए। शायद मैंने भी किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको कैप्शन डालना है, आपके हिसाब से कोई भी कैप्शन डाल सकते हो, और वहां से आपको फुल स्टॉप देके एंटर करना है, फुल स्टॉप देके एंटर करना है, फुल स्टॉप देके एंटर करना है, फुल स्टॉप देके एंटर करना है। मतलब आपको नीचे आ जाने, लोगों को हैशटैग दिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मायने नहीं रखता लोगों को हैशटैग दिख रहे या नहीं दिख रहे। सबसे पहले आपके कोई भी एक हैशटैग हो आपका खुद का, उसे लिख दीजिए, क्योंकि आपके नाम का हैशटैग बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो मैं मिस्टर टेक यहाँ पे मेरा हैशटैग लगा देता हूँ। इसके मतलब कोई हैशटैग यूजर नहीं है तो वहां पे मुझे सजेशन में नहीं आया, बट आपके नाम का आपको हैशटैग डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस हटा देता हूँ क्योंकि हैशटैग में स्पेस मैटर नहीं करता, समझ लीजिए। आप इससे पहले हैशटैग में स्पेस यूज कर रहे होंगे तो आपको शायद ये चीज अभी पता हो, तो समझ लीजिए कि हैशटैग में स्पेस नहीं देना होता है, ठीक है। इसके आगे आपको आपके फोटो के कैटेगरी के हिसाब से हैशटैग्स ऐड करने हैं। आपके हिसाब से आप कोई भी हैशटैग ऐड कर सकते हो, आप फैशन में हो, टेक्नोलॉजी में हो, या आप कोई ब्लॉगर हो, आपके हिसाब से अलग अलग हैशटैग्स आते हैं। आप यहाँ पे शायद मैं एक दो कर देता हूँ, क्योंकि जो सबसे ट्रेंडिंग में है वो फैशन है। सॉरी, यहाँ पे मैं फैशन ऐड कर देता हूँ, फैशन। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पब्लिक पोस्ट है सिर्फ फैशन पर, काफी बड़ा नंबर है। तो ठीक है, मैं फैशन क्लिक कर देता हूँ। अब उसके आगे आते आगे बात आती है, आपको 30 मैक्सिमम आप हैशटैग लगा सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप गूगल प्ले पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, और वहां से आप एक हैशटैग्स करके ऐप है उसे डाउनलोड कर दीजिए। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा सोर्स है और फ्री सोर्स है, जहां पे आप हैशटैग फ्री में चिपका सकते हो आपके पोस्ट पर। तो हैशटैग पर हम जाए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टैग्स पॉपुलर, नेचर, वेदर, सीजन, एनिमल, मतलब आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे ढेर सारे कैटेगरीज मिल जाती है। मतलब आप यहाँ से कोई भी एक हैशटैग चूज करके आपके पोस्ट पर चिपका सकते हो,
और लॉन्ग टर्म में मैं कहता हूं कि आपके लाइक्स बढ़ते रहेंगे। वीडियो एंड तक देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम फैशन में है तो मुझे लगता है कि पॉपुलर पर जाइए, नहीं पॉपुलर सॉरी ऑल टैग्स मोस्ट पॉपुलर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने हमें कुछ टैग्स दिए हैं, कुछ हैशटैग्स दिए हैं, सिर्फ हमें उनको कॉपी टैग करना है। अब यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पे सीधा दबाएंगे और पेस्ट, डन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ढेर सारे हैशटैग्स लग गए हैं। मुझे लगता है कि आप जितना ज्यादा हैशटैग्स लगाएंगे उतनी अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब शेयर करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने इसके पहले ये पोस्ट शेयर कर रखी है तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ जो मैंने इसके पहले वाले पोस्ट पर, मतलब आप एनालिटिक्स में चेक कर सकते हो। इसके पहले मैंने ये पोस्ट किया था 23 अगस्त को और मेरे फॉलोअर्स भी कुछ 400 के आसपास है, मतलब ज़्यादा लाइक आने के चांसेस भी नहीं है। बट आप इन लाइक्स में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 लाइक्स फ्रॉम हैशटैग, और क्या चाहिए, काफ़ी अच्छी बात है। और इस पोस्ट पर मेरे लाइक हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों ये थी पूरी ट्रिक, आप हैशटैग्स ऐप का यूज करके आपके इंस्टाग्राम लाइक्स 100% बढ़ा सकते हो और ये लॉन्ग टर्म में है, ये कोई झूठ बात नहीं है। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये ट्रिक आपको यूजफुल लगी हो, आपके लिए काम कर रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं किसी बढ़िया सी नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।